अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है कि भाई हमने जो है वो एक हफ्ते से अनाउंस किया हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं हैदराबाद। और हैदराबाद आ किसने रहे हैं भाई, हमने एफएक्स तैयार करी थी इसकी, जो है वो हम लोगों ने रनिंग भी पूरी करनी थी। हमारे साथ आज जाने वाले हैं जिब्रान। हाँ भाई जिब्रान, हैदराबाद फर्स्ट टाइम? भाई मैं तो पहली दफा जाऊंगा, अब देखो वहाँ पे कितने लोग जमा होते हैं। ओए होए होए होए। बाकी दूसरे नंबर पे आ गए हैं हमारे आसिफ भाई। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? सर आपका बैग का पेन काफी चल रहा है, लेकिन आप फिर भी जा रहे हैं? नहीं नहीं, बस लगा कि जी मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए, और दूसरे के अपनी गाड़ी की रनिंग भी पूरी की जाए, क्योंकि काफी अच्छे से इसका जो इंजन बना था हमने कहा कि उसको भी देखें कि क्या पोजीशन बनी उस गाड़ी की। तो चलिए जी, मेन मकसद भी हमारा यही था कि यार एक गाड़ी पे इतना ज्यादा जो है वो खर्चा किया आसिफ भाई ने, जाहिर सी बात है, तो उसको जरा हम चेक भी करें, चलाएं भी और थोड़ा सा एंजॉय भी करें इस गाड़ी के साथ, और आप लोगों को भी दिखाएं कि भाई गाड़ी जो है वो कैसी तैयार हुई है। तो छोटे मोटे काम कर लेते हैं भाई, बाकी पानी वानी चेक कर लेते हैं भाई, गाड़ी का पानी जो है वो कितना है गाड़ी के अंदर। वैसे तो बेसिकली परफेक्ट होती है इसमें चीजें, लेकिन फिर भी कहीं निकलने से पहले, सफर शुरू करने से पहले ये सारे काम भी कर लिए जाएं। इंजन ऑयल की बात करें तो वो हमने कल प्रॉपर इसका जो सारी चीज़ें होती हैं ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें करवा ली थी। अब जो है वो करते हैं अपने सफ़र का आगाज़ और चलते हैं हैदराबाद की तरफ। हाँ तो जी दोस्तों, यहाँ आ चुके हैं हम लोग हाईवे पे, और हाईवे पे आते ही हमारी नजर पड़ी है कि भाई हमारे पास फ्यूल जो है वो काफी कम है। आसिफ भाई ये तो खतरे की घंटी अभी पहुंचने से पहले ही नजर आ रही है मुझे। उम्मीद तो यही थी कि हम पहुंच जाएंगे और बस पेट्रोल पंप भी करीब में ही है, तो चले खैर भाइयों। और इसका हमने जो है वो एवरेज भी आज जो है वो नोट करना है कि क्या एवरेज की गाड़ी, बाकी फ्यूल से अंदाजा हो रहा है कि शायद जो है वो हम ना पहुंच पाए, तो उसका भी हमने इंतजाम जो है वो कर रखा है। ये पीछे हमारे बैठे हैं जिब्रान भाई। हाँ भाई चले जी, तो कोई नहीं, छोटी सी गाड़ी है, थोड़ा सा धक्का भी लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। क्या करें आसिफ भाई, वरना तो सारी हालत खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल में जो है वो बच जाएगा, वजह ये कि सामने आ गया। चलिए ये आ गया भाई हमारा पंप, जबरदस्त। ज्यादातर लोग यहीं से जो है वो फ्यूल अप करवाते हैं। आसिफ भाई यहाँ से फ्यूल अप करवाने की वजह क्या? बस ये सुनने में आया कि इनका कंजप्शन बहुत अच्छा है, और ये प्रॉपर स्पेस स्टेशन है जहाँ पे आपको टॉर्च के अलावा और दूसरी चीज़ पानी मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ें जो रास्ते के लिए ज़रूरी होती हैं। लाइनें लगी हुई हैं, और भी कंटिन्यू करते हैं पीछे वाली लाइन में। भाई ने हमें इशारा दे दिया, बोलने भाई स्पेशल लाइन में आ जाओ, और देखते हैं कितने में जो है वो फ्यूल टैंक फुल होता है, क्योंकि अभी जो टंकी का लेवल है ना वो बिल्कुल लो है। तो आज ये भी पता चल जाएगा कि भाई अभी जो रेट चल रहे हैं पेट्रोल के, उसमें ये हमारी टंकी फुल जो है वो कितने की होती है, देख लें कितने पे ये रुकता है। डलवाते हैं लोग इस गाड़ी में तरह? अभी तुम बोल रहे हो पहली दफा डाला था? इस गाड़ी में मेहरान आता है, मेहरान आता है, इसमें नहीं डलवाते लोग, बोलते हैं सस्ता गाड़ी है, सस्ता पेट्रोल ना डालो। लेकिन हमने जो है वही बड़ी मोहब्बत से तैयार की है। 20-25 लीटर आता है, चलें देखते हैं भाई कितना आता है। भाई बोल रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर भाई कोई इतना पेट्रोल नहीं डलवाता, क्योंकि लॉन्ग रूट पे लोग लेके जाते नहीं है। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी जो है वो लॉन्ग रूट पे भी जाती है, तो इस वजह से जो है वो चलें, कोई नहीं होता है भाई, पुरानी गाड़ी है ना। बस 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 ठीक है, फिर गिरेगा नहीं, ऐसा मसला ना हो हमें कोई। तो ये देख लो भाई पूरा फ्यूल जो है वो आया है इसमें 5,778 रुपये का, और ये डला है तकरीबन 20 लीटर पेट्रोल। डलवाया पहले कभी किसी ने इतना पेट्रोल इस गाड़ी में? नहीं 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 डलवाया ना, देखो हमने डलवा लिया अभी 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 डाला, अभी अभी 10,100 का इसमें कहाँ से डाल दिया तुमने? वो पीछे वाली गाड़ी। अच्छा अच्छा पीछे वाली गाड़ी में ना, वो ज्यादा महंगी गाड़ी है। तो भाई दो रुपए भी आ गए भाई। चलो जी चले भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, चले अल्लाह ने के बाद पेट्रोल जो है वो हमारा फिल अप हो चुका है। दोनों निकल गए पार्टी करने, बस अब यहाँ से निकलते हैं भाई, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी जो टाइम हुआ है वो हो रहा है 3:10 का, आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ मीटर भी जीरो कर दिया, तो किलोमीटर भी जो है वो नोट हो जाएंगे कि कितना किलोमीटर जो है ये चलने वाली है हमारी गाड़ी। तो दोस्तों ये आ चुके हैं भाई हम कराची हैदराबाद M9 मोटरवे। अब जो है वो हमारा जो प्रॉपर सफर जो शुरू हुआ है ना वो यहाँ से शुरू हुआ है। बाकी हमारे जिब्रान भाई फर्स्ट टाइम जो है वो आए कराची हैदराबाद टूर पे। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, देखो अब आगे का कैसा होता है, क्या पता बीच में बारिश भी हो जाए। नहीं बारिश तो हो जाए, आप हैदराबाद पहली दफा जा रहे हैं ना, तो टूल देख के कैसा लग रहा है आपको? इसको देख के क्या लगना? कुछ नहीं लगना, आप देखिए कितना चल रहा है अभी टैक, मेरे ख्याल से 370 350 ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ अभी तो खैर हमें यहाँ नहीं देना,
हमें आगे आगे देना पड़ेगा, एक जो लास्ट वाला है, हाँ जो लास्ट वाला टूल होगा कराची से, वहाँ पर जो है हमें पैसे देना होंगे। बहरिया टाउन को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और एक चीज मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊं गाड़ी की, तो भाई गाड़ी का जो एसी है माशाल्लाह से बिल्कुल जिसको बोलते हैं एक चिल वाली जो है वो कंडीशन में है, और बेहतरीन हाईवे पे जो है गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। और ये चेक करें भाई खूबसूरती बहरिया टाउन की, हैदराबाद के बिल्कुल हम बीच में पहुंच चुके हैं, और यहां लिखा था पीछे के भाई अपनी लेन में रहे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आसिफ भाई घबरा गए यहां पे, क्या कि लेन में रहे तो कौन सी लेन में रहे सर, लाइन नहीं है, कौन सी लेन में चले। खैर आसिफ भाई उसकी घबराहट को दूर करते हैं, आसिफ भाई बस आप अस्सी पे है ना यहीं पर ही रहेगा, इसी लेन को जो है वो खुद ही मेंटेन रखे। टाइम हो गया है तकरीबन कोई 4:05 का। हाँ भाई जबरान क्या समझ रहे थे तुम इतना लंबा सफर है, तो बैठे बैठे कब सबसे जबरान तो अपने अपने टूर क्रॉस किया है, तो ये समझा कि तुम बैठो पीछे। पहली दफा कोई सफर करता है इतना लंबा, तो उसको खैर महसूस होता है, 1 घंटे का रास्ता और जो है बाकी रहता है। 2000 years later. तो भाइयों हैदराबाद की गलियों में घूमते घुमाते हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई रानी बाग, और सफर रह गया है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो 6 मिनट का। हम तो सोच रहे थे कि हम सिर्फ रनिंग पूरी करेंगे और राउंड लगा के चलेंगे, क्या कहला आसिफ भाई ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसे ही सोचा था। दिन भर हम लोग घूम रहे हैं हैदराबाद के गलियों में, देख रहे हैं भाई हैदराबाद की गलियाँ कैसी हैं। कराची की गलियाँ तो बहुत घूमी है, लेकिन आज हैदराबाद की गलियाँ भी आप लोग के साथ घूम रहे हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो? खैरियत से हो भाई? अच्छा आपके फैन है लोग सबके सब, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपको देख के। क्या आप जा रहे हैं? आए हैं सर? बस मैं अभी आया हूँ, और कुछ लोग आगे इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी आप यही मिल गए। सर क्या नाम है आपका? नवीद अहमद जई नाम है मेरा। नवीद अहमद जई साहब जो है वो हमें सबसे पहले सब्सक्राइबर आप ही मिले। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया कि आप हैदराबाद आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये भी आपके दो भाई फैन है, बहुत बड़े दोनों फैन है हमारे। आपका क्या नाम है? अहसान अहमद जई। और अहसान अहमद जई। तो भाई ये देखने माशाल्लाह से पूरी फैमिली हमसे जो है मिलने आई हुई, तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भाई हैदराबाद की सौगात है, इसकी जरूरत नहीं थी सर। नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत है इसलिए हम लोग आप यहाँ चले। जजाक अल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आ जाओ भाई, लगा रहे गाड़ी लगा रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो चलिए जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई हैदराबाद रानी बाग, जो लोकेशन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करी थी, और ये हमारी एफएक्स है, और कुछ देर के लिए लाइव भी गए थे भाई इसी गाड़ी के ऊपर। हम लोग रानी बाग के अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई रानी बाग भी कैसा बना हुआ है और कौन कौन मिलने आता है आज जो है वो देखते हैं। अलग करम सर आप सुनाए, खैरियत है? यही मेन रानी बाग तो यही है, यहीं पर रिहाइश थी, मैंने कहा कि मैं आपसे इंशाल्लाह बाकी यहीं पर भी। बहुत अच्छा लगा, बेसिकली हमने गाड़ी भी लानी थी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये तैयार करी थी, नहीं सेल के नहीं है, नहीं बेसिकली हम लोग काफी टाइम हो गया था, हैदराबाद का भी चक्कर अच्छा, नहीं लग रहा था। मैंने बोला राउंड भी लगेगा, तो जो हमारे माशाल्लाह से फैमिली है सही, सबसे भी जो है मुलाकात जरूर करेंगे। यहाँ पर आपको पहले यूट्यूबर आए हैं? हाँ आए हुए, बहुत सारे लोग उधर आए हुए हैं, खड़े में हैं। और आप अभी पहुंचे ना? मैं अभी पहुंचा हूँ, मैंने गाड़ी वहीं से देखी, मैंने कहा ये आपकी वीडियो में आई थी जो रिस्टोर वाली। जी जी जी, वही वाली गाड़ी है। अलग चले, ठीक है, चले जदा कर। लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर 3 गेट हैं और वहाँ 2 हैं, टोटल 5 गेट हैं इस जगह के। तो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कौन से गेट पे जाऊँ, क्या करूँ। तो अब हम आपसे मिलेंगे 30 स्टॉल पे। वसीम भाई यार छक्के मारो। हेलो भाई, बॉलर भी अच्छा है, बॉलर भी अच्छा है ना, ये भी ठीक है,
तो भाई कराची से हम लोग देखने आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का मैच, और हमारे सब्सक्राइबर मिलके जा चुके हैं, कुछ थक गए हैं वहाँ बैठे हुए, पीछे आपको नजर आ रहे होंगे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये भी भाई सब्सक्राइबर है नहीं है भाई, चले भाई आप कंटिन्यू करें, कैच छोड़ दिया आपने तो चलो भाई ये क्रिकेट मैच तो चलता रहेगा, हम चलते हैं बाहर की तरफ और हमारा मीटअप खत्म हो चुका है। तो सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, कैसी लगी गाड़ी हमारी? जबरदस्त, बेहतरीन। कितने दी है? सर ये हमने बनाई है पूरी। आपने बनाई है? हाँ जी। कितना खर्चा लगा इसका? सर हमारा तकरीबन 6 लाख रुपया लग गया इसके ऊपर। अच्छा, अरे खैर हो गई, कोई मसला थोड़ी है। चले भाई ये भाई सीन ऑन है और ये अभी जो है वो चल रहा है। सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, ये बड़ा अच्छा आदमी है क्योंकि अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता है, जितना हो सके इसकी बाइक की सपोर्ट करो, थैंक यू सो मच। चलें जी, जज़ाकअल्लाह। यहाँ पर भाई हमारी एक और भाई से मुलाकात हो गई, यहाँ से तो भाई हमने जो है वो निपटा लिया, अपना जो टाइम दिया था टाइम पूरा हमने जो है वो दिया है लोगों को। चलें जी आसिफ भाई, चलते चलते एक भाई और हमें जो है वो मिल गए, बस अब निकलते हैं आगे। तो यहाँ हो रहा है भाई गाड़ी का दोबारा से पानी वगैरह चेक, तो पानी वगैरह है भाई पूरा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, मुझे भाई, ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, और जब कराची आएंगे तो भूलना नहीं आप पे भाई को। चलो भाई अल्लाह पे। अब जो है वो यहाँ से कराची का सफर जो है वो स्टार्ट करते हैं, और मुझे भाई जो है वो हमें कॉर्नर तक छोड़ने जाएंगे ब्रिज के पास तक। तो भाई एक बार फिर हम लोग पहुंच चुके हैं मदीना हाईवे रेस्टोरेंट, कभी नादिर भाई के साथ, कभी आसिफ भाई के साथ, कभी अली भाई के साथ, तो सब लोगों के साथ जो है वो वीडियो का एंड जो है वो यहीं पर ही हो रहा होता है। आसिफ भाई आज जो है वो आसिफ भाई को भी यहाँ की कढ़ाई खिलाते हैं, देखते हैं आसिफ भाई की क्या रिव्यूज हैं इस कढ़ाई के बारे में। ईद पे तो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया था क्योंकि ईद पे रश बहुत था यहाँ पे, लेकिन देखते हैं आज जो है वो हमें टेस्ट वापसी मिलता है नहीं मिलता। हमेशा से कानून रहा है जब भी हम लोग आते हैं अपनी पसंद से गोश्त कटवाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कभी कभार थोड़ा हल्का हो जाता तो वो फिर मज़ा नहीं करता, ऐसा जो है वो गोश्त कटवाते हैं यहाँ से फिर ऑर्डर करते हैं। तो भाइयों ये हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर हो गया है रेडी, तो हमने ये निकलवा लिया आपकी पसंद का। अब जो है वो यहाँ जाएगा, कुक होगा, ये खड़े दो उस्ताद, ये बनाएंगे, देन सर्व होगा। चले उस्ताद शुक्रिया। आसिफ भाई कहाँ आ गए आप कहाँ घूम रहे हैं? क्या हो रहा है सर? वो आपकी पसंद का क्या पकेगा? कढ़ाई बनेगी, वीवीआईपी। सो फाइनली दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और छोटी सी एक जर्नी थी। वैसे तो आप लोगों ने देखा है नॉर्मली हम लोग जो है वो इस चैनल पर अपने व्लॉग्स वगैरह डालते नहीं है, लेकिन मैंने बोला चलो यार आज जो है वो कुछ नया हो जाए, कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमने जो है वो बनाया, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम हैदराबाद गए, कुछ लोगों से मिले, और जो हमारे काम थे टू जेड छोटे मोटे काम थे वो भी हमने जो है वो हैदराबाद से निपटा लिए हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में।